हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल इज़ वेल। तो गाइस, आज इस ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं अपने घर से दोस्तों, और घर पे भी बैठे हुए होते हैं दोस्तों, और यहाँ पर हमारी मम्मी एक काम कर रही हैं, तो हमने कहा क्यों ना यहीं से स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। तो गाइस, काम क्या कर रही हैं हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस, ये देख सकते हो, ये आम है, आप जानते होंगे ये आम है दोस्तों, और ये हमारी माता जी हैं। माता जी को आप लोगों ने देखा है दोस्तों। तो माता जी इस आम को क्या कर रहे हैं आपको बता देते हैं। तो ये आम जो है दोस्तों, ये देख सकते हो आप, तो इसका जो मतलब छिलका होता है उसे निकाल दिए हैं। तो ये खटाई के लिए यूज़ होता है। खटाई आप लोग जानते होंगे, अक्सर यूज़ होता है खटाई वगैरह, दाल वगैरह है। तो ये देखिए, इसको निकाल दी है मम्मी, और यहाँ पर दोस्तों अभी इसको मतलब काट कर, ये देखिए काट रही हैं, इसको काट कर इसे दो भागों में कर लेंगी, और इसको करने के बाद सुखाते हैं, और सुखाने के बाद दोस्तों रख लेते हैं, ठीक है। सुखाने के बाद रख लेते हैं, इसी में खटाई बनती है। तो गैस, अभी हम इसको एक पॉलीथीन में भर कर ले आ चुके हैं, इसको यहाँ पर मतलब इसको फैला देंगे क्योंकि ये सूखेगा। तो चलिए फटाफट से इसको फैलाते हैं। हमने जैसा कि आपको कहा था कि इसको फैलाने के बाद इसका मतलब, ये जब सूख जाता है, इसको यूज किया जाता है दाल में, और मतलब इसका अमचूर वगैरह बहुत कुछ बनता है गाइस, वो सब तो जानते होंगे आप लोग, क्योंकि इसका अमचूर तो सभी लोग खाते हैं। तो बाकी की जो होगा वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ जानते हैं खटाई के लिए यूज़ हो रहा है। तो चलिए इसको फटाफट से बगाड़ देते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस, क्या है ना कि हम अब चाहते हैं कि हम आपको रियलिटी दिखाएं, ज़्यादा तक हम अपना मतलब कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम आपको जितना हो सके उतना रियलिटी दिखाएं। तो रियलिटी में फ़ायदा ये रहेगा गाइस कि मतलब कुछ ऐसे नहीं जो कि जो सीन मैं आपको नहीं दिखा, इसलिए मैं मतलब अब पहले ब्लॉगिंग करता था लेकिन घर से नहीं करता था, बाहर बाहर निकल के करता था, लेकिन मैंने सोच लिया कि अब जो भी बनाऊँगा दोस्तों घर से दिखाऊँगा और आप लोगों के साथ भी बनाऊँगा, क्योंकि आप लोगों को रियलिटी दिखानी है, सच्चाई के साथ वीडियो को बनाना है, कोई मतलब फेक नहीं रहेगा, जो रहेगा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बाकी की यही सब है, नहीं तो लोगों को मतलब अलग अलग भावनाएं सोचने लगती हैं, और इस समय दोस्तों मुझे सपोर्ट भी बहुत कम मिलता है, जितना मुझे चाहिए उतना मिल ही नहीं पाता। बहुत से लोगों ने कहा कि आप कोई दूसरा चैनल देख लो, दूसरा चैनल भी बनाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी तो इसी में करेंगे। हालांकि मैंने नहीं उन्हें नहीं जवाब दिया है, लेकिन अभी तो गाइस इसी में कर रहे हैं, देख रहे हैं कब तक चलेगा, ये चैनल तो चलाना ही है। तो क्योंकि मेहनत की है इसमें, 2-3 साल की मेहनत है, तो ऐसे डायरेक्ट मतलब बंद नहीं कर सकते, ये भी चलता रहेगा। एक चैनल मतलब सोचता हूँ कि एक चैनल और खोलूँ, लेकिन कब तक खोलूँगा वो सब आपको सूचना दे दूँगा, खोलूँगा क्या करूँगा। तो अभी तो मतलब कोई बात चल रही है, एकदम पक्का नहीं है कि हाँ एकदम खोल ही लूँगा, बाकी जैसा भी रहेगा आपको बताएंगे। तो अभी तो यहीं पे हैं दोस्तों छत पे, इसको बगाड़ दिया है, देख लीजिए आप लोग, इसको हमने फैला दिया है चारों तरफ से, अब ये सूख जाएगा तब इसे लेके चलेंगे अंदर रख देंगे। अब धूप तो इतनी तगड़ी है, देख सकते हो धूप बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए आँख में इफेक्ट करता है। तो चलिए फटाफट से नीचे चलते हैं, और बहन नाश्ता बना रही है, तो चलिए फटाफट से करते हैं क्या बन रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब अपने किचन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर दोस्तों हमारे सिस्टर कुछ बना रही हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। तो देखिए, देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिस्टर है, और ये देखिए दोस्तों आलू की पकौड़ी बना रही हैं बेसन में, इसको बिल्कुल मिलाकर मिक्स करके दोस्तों ये देखिए ये डाल रही हैं उसमें। और चलिए हम आपको पास से भी दिखा देते हैं, ये देखिए तेल में डाल दिए, और ये मतलब बहुत ही VIP बन रहा है, बगल में रखा भी है, चलिए बगल से भी आपको ठीक से दिखा दें। ये देखिए सिस्टर है, और शायद ये अपने दोस्तों से बात कर रही है मोबाइल पे, इसलिए यहाँ पर दोस्तों हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम पकौड़ी बन के इतनी रेडी हो गई है, अभी और कुछ बना रही है सिस्टर। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट बताइए, बाकी की बहुत अच्छे तरीके से बना रही है, देखिए ऐसे मिक्स करके ऐसे बनाता है, आपको पता होगा, जो लोग बनाते हैं उन्हें पता ही होगा। तो देख लीजिए, काफ़ी अच्छी थी, आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। हे गाइस, फाइनली आपका भाई नहा धो चुका है, और दोस्तों अब जा रहे हैं खाना खाने, और खाने में दोस्तों आज कुछ स्पेशल है, उसे बहुत से लोग पसंद करते हैं, आप में से भी काफ़ी लोग उसे पसंद करते होंगे, तो चलिए देख लेते हैं आज इस खाने में स्पेशल क्या है। तो गाइस ये देखिए, ये है दोस्तों कढ़ी, और ये चावल, आप चावल तो जानते हो, कढ़ी उसे बहुत से लोग पसंद करते हैं, आपको दिख रहा होगा कढ़ी दोस्तों, इसमें ये दोस्तों इसको बड़ी भी बोलते हैं, बड़ी बड़ी जो भी हो, तो इसको काफ़ी लोग पसंद करते हो हैं, क्योंकि ये कढ़ी बहुत कम खाने को मिलती है, और देसी खाना है दोस्तों, पंजाब वगैरह में और जहाँ तक और भी कंट्री में से लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। बाकी आप बताइएगा आपको कैसा लगा, हम आपको दिखा दिए कैसा लगा, आप मुझे बताइएगा। फाइनली हम एक दुकान पर आए हैं, जो कि कपड़े की दुकान है, तो कब भैया की दुकान पे हैं, और यहाँ पर हम और नमन भाई बैठे हैं, और मम्मी अंदर गई हैं अपना कुछ साड़ी वगैरह ले रही हैं, और हमारा भी कपड़ा लेंगी क्योंकि शादी का माहौल है, तो इस समय मम्मी अंदर गई हैं। तो चलिए मम्मी के पास चलते हैं, हम तो बाहर बैठे हैं हम दोनों, क्योंकि ये देखिए दुकान बहुत बड़ी है, अभी तो हम दोनों बाहर बैठे हैं, चलिए फटाफट से अंदर चलते हैं और देखते हैं मम्मी कौन सी साड़ी चूज़ करती हैं, कौन क्या कपड़ा ले रही हैं। हालाँकि दुकान में पहली बार वॉइस ओवर कर रहा हूँ, मार्केट है बाकी की, चलिए दिखाते हैं आपको कौन सा मम्मी कपड़ा चूज़ कर रही है। तो गैस ये देखिए, यहाँ पर मम्मी आई है, और ये दोनों साड़ियाँ भी चूज़ कर रही हैं, हालांकि बहुत बड़ी दुकान है, आप देख सकते हो यहाँ पे साड़ी के पूरा कॉटन है, मम्मी हैं,
और ये देखिए वहाँ से बहुत लंबी दुकान है, आप देख सकते हो। तो मम्मी को ये दोनों साड़ियाँ भी लगता है, जो साड़ियाँ भी और निकाल रही हैं, तो देखते हैं कौन आएगी मम्मी को पसंद। तो अभी और निकाल रही हैं, देख लीजिए बाकी के हम आपको दिखा रहे हैं। ये वाला सही है मम्मी, सही तो है, निकाल लीजिए इसको, निकाल कर देखिए, निकालिए। सही तो है, सही तो है, पतला है, ठीक है। अभी देख लीजिए आप और निकालिए, पता नहीं कितनी साड़ियाँ हैं, देख लीजिए जोन पसंद है बता दीजिए कौन सा है। हो गया। तो इन सब में देखिए मम्मी कौन सी पसंद करती हैं।